तबे दर्शक बंधु ग्रहण र सर्वमुख्य परे आहुरी मध्य किछि विधान रहिछि वैदिक शास्त्र अनुजाई जहाँ कि दान स्नान हवन तबे प्रथमे पंडित जी को पचारि बुझिबा कौन दान करिबा उचित दान कहिले हमरो अनेक प्रकार दान अछि धर्मशास्त्र रे षोडश प्रकार दान भी व्यवस्था रहिछि किंतु ये जो ग्रहण दान ये होंगे ग्रह दान आज्ञा जेहेतु होती राहु ग्रास करुँच राहुंर जो गुड़िक प्रिय से पदार्थ सहित वस्त्र तैल एवं होंगे भोज्य द्रव्य मान अन्नदान ठारू दान किसी पृथ्वी अदिका ना आज्ञा तेणु निश्चित भाव स्वतंत्र जहाँकि आमर गोटे पूर्ण पात्र दान जी करती पूर्ण पात्र मानते होती 256 मुठा चाउल आज्ञा 256 मुठा चाउल सहित आपंट डाली चाउल इत्यादि स्वतंत्र भाव जहाँ घर को देवे सी आदिन किसी खोजन तेणु से भाया गोटे पूर्ण पात्र दान जो मैंने ग्रहण पर करती ग्रह मानक गोटे हूँ शुभ दृष्टि निश्चित भाव पड़ो ए सन्देह ना तबे सार आपण कहिले दानर कथा जो मानक पाखरे 256 मुठार नाही तबे किछि छोटो दान किछि करि परिबे निश्चित भाबरे जदि कारण जणे लोकर भी सामर्थ्य भी थिबा दरकार सि तबे आपण जा कहिले सि निश्चित कथा तो सामर्थ्य कहिले जणे दान दबा पई दरकार पड़िले मध्ये जे होची टंकाटी दान करची से दान जे लखे टका दउची से भी दान तेनु जहार शक्ति अनुसार जे जतिकि दान करि परिला निश्चय कारण दानर होती सदा बेल माने देखिए दान पर पुणी दक्षिणा अच्छे खाली दान देले भी हेनी दान जदि आप देवे 1000 टंकार दशांश हूँ दक्षिणा तेरे सार आप बढ़िया कथा टे कहले तेरे मैडम आपण पचारि बुझी आम तो प्रत्यह स्नान करुचे कि ग्रहण सर्वमुख्य पर कौन किपरि रही विधान किपरि स्नान कले सर्वमुख्य प्राप्ति होता है नहीं ग्रहण जो प्रभावटा पड़ी था आम शरीर भितर को किसी शरीर भी किसी परेश जो एनर्जीटा आसी था चंद्र एवं राहु द्वारा जो एनर्जी आसी थापर आम सफा सुतरा होता स्नान मुंड सफा कर स्नान कर घर पोछा पोछी करें पूजा विधि कर संध्या धूप देवा रोष करवा जहाँ कार्य सब करवा तो से प्रथम हूँ स्नान स्नान करवा द्वारा बहुत गुड़े औरा को आम काढ़ी था खाली शरीर मल बाहर न था कि जो स्नान ये स्नान आम कौन करवा जी गोमूत्र रही ये सब पवित्र गंगा जल गोमूत्र गोबर कंचा क्षीर अटा गुड़ महु एवं फिटकिरी लुण ये सब समस्त हाँ ये सब जो रहा ता भितर मु सबुठू नेबी जदि सामान्य टिके गोबर मिलूँ बा गोमूत्र मिलूँ ताको स्नान जल में पकईकि स्नान करने कथा एटा जदि मिलूँ तो सेमानको बहुत भल ना घरे तो गंगा जल थी अटा थी गुड़ थी महु थी क्षीर दही ये समस्त जिनस सहित लुण भी तो मिल घरे फिटकिरी रही जदि ना लुण हलदी तो टिके थी ये हूँ आमर शरीर ओरा को नेगेटिव ओरा को आम भितर काढ़ी थाए आम मन भितर एक शुद्ध चिंताधारा आम भितर को देता है आम मनर पर शरीर को जो द्रव्य आम शरीर सहित जल सहित आसिक आम शरीर को आसला आम शरीर भितर सहित भी ये समस्त जिनस ग्रह मान सहित प्रभाव रही तेणु तार गोटे सृष्टि होता है आम शरीर से आम ये समस्त द्रव्य को जदि समस्त द्रव्य जोटा मिल आपको एमती नहीं कि सब कंपलसरी कंपलसरी किसी नुहे जोटा आप जी समस्त मिलला करेंगे जी तुम गोटे भी किसी जिनस मिलू भी आपतु किसी गोटे एमती खाली खाली जल रहा स्नान न करवाटा ठीक रेहेतु ग्रहण लगी समस्त द्रव्य भितर सब मिले ठीक किसी जदि न मिलू लुण जल रहा स्नान लुण तो आपंकर कितु गोड़ा लुण ही टाटा सल्ट नहीं जो गोड़ा लुण रहा समुद्र लुण समुद्र समुद्र लुण से पकईकि आप मुंड सफा कर मुंड सहित करेंगे और सहित टी हलदी आप लगे यह बहुत शुभ रही स्नान बहुत शुभ रही दर्शक बंधु आप शुणुते स्नान विधि विधान किसी नपाइले आपण को जदि हलदी मिलूँ कि गोमूत्र मिलूँ जहाँ भी किसी गोटे नहीं आप स्नान करेंगे एवं आम जा रखा गोटे कथा प्रत्येक संक्रांति आपण मान घरे हवन होन्न्य कौन शुभ दिन मानक हवन व होम कार्य हो तबे यही जो चंद्र ग्रहण समय रे चंद्र ग्रहण रो मुख्य प्राप्ति परे सर्वमुख्य परे किपरि हवन विधान रही विषय आम जानिबा पंडित चित्तरंजन महोदय देखो आप जो हवन कहले होम आज्ञा होम कार्य जो कहुए से देवादेवी के आह्वान कर होम कराए तो सी जो
ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରହଣ ଦିନରେ କାହିଁକି ହବନ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ପରେ ହବନ କଲେ ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଦେବାଦୀମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଦେବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ହବନ କଲେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ପରେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହବନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ହବନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ, ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ହବନ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷତଃ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରହ ଦଶାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ କହିଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ହବନ କରିବେ, ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଯେଉଁଥିରେ ମା ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଉଗ୍ରତାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ବୈରବୀ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ, ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ହବନ କରନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତନ୍ତ୍ର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀପୀଠ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ହବନ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳ ପତନ ପୁଷ୍କରଣୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହବନ କରିବେ, କୌଣସି ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ହବନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ପାଇଁ ହବନ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ହବନରେ ଗୃହରେ ହବନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଗୃହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହରେ ହବନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗୃହକୁ ଶୁଦ୍ଧି କଲା ପରେ ହବନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୃହକୁ କାହିଁକିନା ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଗୃହ ଶୁଦ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ପୋଛାପୋଛି କରାଯିବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଘର ପୋଛିବେ ପତନକୁ, ତା ଦେହରେ ତାପରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାସନକୁସନ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ବାସନ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ ପତନକୁ, ଗ୍ରହବିପୁର ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ହବନ କଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ହବନ କରିବେ, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ପାଇଁ ହବନ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଶୁଭ ରହିଥାଏ।